बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, उसका हमने टॉपिक नंबर 2.5 जो है उसको स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, जो कि हमने मोशन की जो टाइप्स पढ़ी थी वो फॉर एग्जांपल जिनमें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस को, जिनमें हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को, वेलोसिटी को, अब उनको आपने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो आप उनको ग्राफ के ऊपर किस तरह से प्लॉट करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो ग्राफ हैं। दो ग्राफ क्यों हैं, मैं उनकी रीज़न भी बता देता हूँ। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक है स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड के चेंज होने से ही एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये आपस में इंटरचेंजेबल क्वान्टिटीज़ हैं, इसलिए हम इनको ग्राफ में अलग अलग नहीं प्लॉट करते। ठीक हो गया। अब ग्राफ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनमें जो क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं उनको हम टेक्निकली क्या कहते हैं फिजिक्स के अंदर, उसको भी हम देखते हैं। और उसके बाद हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, और फिर हम स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। के ग्राफ जो है एक पिक्चर की फॉर्म में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में होता है। ग्राफ कभी भी एक क्वांटिटी का नहीं बन सकता, क्योंकि ग्राफ के टू एक्सिस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ में वी नो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस में और इस वाई एक्सिस में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को ड्रॉ किया जाता है, लिखा जाता है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले कि हम इनके ऊपर जो क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल। ये वेरिएबल की आ गई डेफिनेशन। जो आप टॉपिक नंबर 2.5 अपना पूरा पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैंने हेडिंग में लिखी हैं। इसी तरह आपने अपनी प्रेजेंटेशन अपनी टॉपिक के अंदर देनी होती है, तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है। अब इनमें जो वेरिएबल हैं, दो तरह की क्वांटिटीज़ है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वन ऑफ द क्वांटिटी दैट डजंट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक बात याद रखें, मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिए लिया जाएगा। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम जो पढ़ेंगे उसमें कौन सी होगी, टाइम जो है, टाइम किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको कोई काम पड़ गया और आप टाइम को कहें कि रुक जाए, वो नहीं रुकेगा। ठीक हो गया ना। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी। अगर मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पे, तो डिस्टेंस इधर आ जाएगा मीटर में। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगी वेलोसिटी की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब हम आपको डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बारे में क्लियर हो चुका, तो आगे हम अब चलते हैं अपने मुतलका ग्राफ की तरफ। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक ग्राफ के ऊपर हमने दो क्वांटिटीज़ ली, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया टाइम। टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो मैंने मेंशन कर दिया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होने के नाते उसको एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। और डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिस्टेंस विल बी प्लॉट ऑन वाई एक्सिस। इज इट क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं आगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तीन तरह से सिचुएशंस को डिस्कस किया जा सकता है। आप डिस्टेंस की बात करें, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं अगर रेस्ट की हालत में हूँ, या तो मैं इसको डिस्कस करूंगा कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक हो गया। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि अगर मैं मूव कर रहा हूं या अगर बाइक मूव कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है तो उसी के साथ से जाती रहेगी। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि उसकी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा, जिस तरह हम ब्रेक्स लगाते हैं, बार बार ब्रेक्स लगाते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मर्जी से हमने रेस दे ली, तो वो आ जाती है वेरिएबल यानी कि चेंजिंग स्पीड के बारे में। ठीक हो गया। तीन कंडीशन है। इसके बाद हम डिस्कस करने जाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ में। तो स्पीड, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मैं रेस्ट में हूँ तो आप कभी भी मेरी स्पीड नहीं बता सकते, क्योंकि फिर मेरी स्पीड को जानने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इसलिए इसमें से जो एक पॉइंट है उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे,
ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में, क्योंकि स्पीड एट रेस्ट में उसको स्टडी करना बिल्कुल हमारे लिए बेमायनी होगा, ठीक हो गया ना। तो हम दो उसमें डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड और ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। तो ये एजेंडा आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैंने ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मैंने रखा टाइम को और वाई एक्सिस पे मैंने रखा डिस्टेंस को। डिस्टेंस का यूनिट जो उसका बेस में जाएगा तो वो मीटर आएगा, ठीक हो गया बेस यूनिट। अब हमने क्वांटिटीज लिखनी, हमने वैल्यूज लिखनी 0, 5, 10, 15। हर ग्राफ में आप यही रख लें ताकि आपको बात समझ आ जाए। मैंने हर ग्राफ में यही रखी है और इधर 10, 20, 30, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी स्टडी रिलेशन की जो स्टडी है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी और उसके आंसर बिल्कुल वैसे ही आएंगे। चलें हम इसको देखते हैं। अब टाइम चूंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम ने तो गुजरते जाना है। इसका मतलब है जो टाइम का ग्राफ है 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, फिर 4, 5, ये आगे को जाता जाएगा। टाइम कभी भी नहीं रुकेगा, यानी कि टाइम का कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता। टाइम ने आगे ही जाना है, यानी कि आगे की तरफ ही बढ़ना है, किसी का इंतज़ार नहीं करना। बात आ रही है ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रुका हुआ है डिस्टेंस, ठीक है ना, इस वाले डिस्टेंस पर रुका हुआ है या इस वाले डिस्टेंस पर रुका हुआ है या इस वाले डिस्टेंस पर रुका हुआ है, ये इधर ही रुका हुआ है ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारा बताने का मकसद ये कि टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में उसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह का बनेगा, ठीक हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की शक्ल में इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा लेकिन टाइम गुजरता जा रहा है। बात क्लियर होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि टाइम ने गुजरते जाना है, ये वाला जो है इसने आगे की तरफ जाना है, टाइम ने गुजरते जाना है। ये जो ऊपर नीचे होता है ये हमारा डिस्टेंस के लिहाज से होता है। अब डिस्टेंस में क्या, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड के एक ही स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, तो इसका मतलब है जीरो से उसने स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, एक ही तरह की स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस उसका कवर होता जा रहा है, तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ठीक हो गया। हम इसमें क्वांटिटीज़ को इस तरह से मिला के चेक कर लेंगे तो इसमें से हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो कितनी स्पीड में किया, स्पीड का फार्मूला आपको पता है, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम। अब आप डिस्टेंस को देख लें, डिस्टेंस आप कोई भी डिस्टेंस देख लें, फॉर एग्जाम्पल आप दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें, तीन के दरमियान निकाल लें, इवन आप एक क्वांटिटी के दरमियान निकाल लें। ये देखें, अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पीड देखनी है तो 30 में से 10 गए तो 20 आ गया, इसका डिवाइडेड बाय यहाँ का, यहाँ से देखें 20 में से 10 गए तो 10 आ गया, तो 10 2 20 2 आया। मैंने आपको कहा था कि आप एक क्वांटिटी का भी देख सकते हैं, तो एक का भी देख लेते हैं। ये देखें, एक क्वांटिटी 20 में से 10 गए तो 10 आ गए, और 20 का रिलेशन 10 के साथ है और 10 का रिलेशन 5 के साथ, 10 में से 5 गए तो 5 आ गए, तो 5 2 10, तो इधर भी 2 मीटर पर सेकंड आया। मीटर पर सेकंड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्पीड को। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। थर्ड वन जो हमारा रिलेशन है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल चेंजिंग स्पीड, स्पीड आपकी चेंज होती जा रही है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये देखें जी, ये चेंजिंग स्पीड है, क्योंकि टाइम ने गुजरते जाना है इसलिए इस लाइन ने ये 15 की तरफ 10 की तरफ आगे जाते जाना है। चेंजिंग स्पीड, स्पीड कभी कम हो रही है, कभी कम हुई तो नीचे आ गया, 10 ज़्यादा हुई तो 20 की तरफ चला गया, फिर कभी कम हो सकती है, तो हमने थोड़ा सा एक कर्व दे दिया इसको, तो ये हमारे पास आ गया। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इसकी स्लोप ड्रॉ करनी है, टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है जो किसी एक पॉइंट को गुजरते हो लाइन गुजर जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, तो हमने इसका टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट का ताल्लुक आपको पता है टेन से है, और टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आया, परपेंडिकुलर इसका अगर मैं इसका टेंजेंट निकालूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर कहां तक जा रहा है, 30 तक, और इसकी बेस का देखूं तो 15 में से 5 गए तो आ गया हमारे पास 10, तो 30 बाय 10 3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी आ गई स्लोप, ठीक हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। स्पीड में मैंने आपको बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्पीड को डिस्कस करना हमारे लिए बिल्कुल बेमायनी है, क्योंकि उसकी स्पीड है ही नहीं। तब हमारे पास दो पीछे रह जाती हैं डिस्कस करने वाली चीज़ें, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड और ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल चेंजिंग स्पीड। बिल्कुल उसी तरह ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डैट विल प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस, एंड स्पीड डैट इज वेलोसिटी एंड इट विल बी रिप्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस।
तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह क्वांटिटीज मैंने ली, यहाँ पे मैंने उनको चेंज कर दिया, दो चार छः कुछ भी रख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। डिस्कस हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। अब टाइम गुजर रहा है, टाइम ने अपने ज़्यादा की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, स्पीड क्या होगी, स्पीड एक ही स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल वो चार की स्पीड पर जा रहा है, आप 20-40 सर्ट कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 40 की स्पीड पे जा रहा है तो 40 ही रहेगी स्पीड उसकी, एक जैसी रहेगी, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह हॉरिजॉन्टल में। अब आप ये देखें कि इसका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में बना है हॉरिजॉन्टल, इसका ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड में बना है, इसलिए आपने मिक्स नहीं करना, आपने कंडीशन को समझना है। उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड को क्या कहेंगे, उसमें हम अगर ग्राफ बनाएं तो नीचे टाइम और ऊपर वेलोसिटी आ गया यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड। तो उसने यहाँ से शुरू किया, स्पीड उसकी बढ़ती गई, एक ही तरह से स्पीड चेंज होती गई, पहले 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह चलती वो आगे चली गई और टाइम भी गुजरता गया, तो इसका बनेगा इस तरह की लाइन, ठीक हो गया स्लोप टाइप। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब ये आपकी बुक है, ठीक है ना, बुक के ऊपर आपने जब आप टॉपिक को देखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, तो बुक के ऊपर सबसे पहले पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो कि मैंने एक प्रेजेंटिंग वे में रिप्रेजेंट कर दी हैं, ग्राफ, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। उसके बाद जब आप स्पीड टाइम ग्राफ में जाएंगे, डिस्टेंस टाइप ग्राफ में जाएंगे, तो थोड़ा सा उसका बायोडाटा पहली तीन लाइनों में लिखा हुआ है, वहाँ से फिर आप ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को डिस्कस करेंगे और आप इसमें बता देंगे कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के जो पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें आ रहा होगा कि आपके जो आया है वो आया है स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आया, ठीक है, वो हमारा आया ग्राफ। उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग कॉन्स्टेंट स्पीड, उसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई लगे कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है मैं इंक्लूड कर सकता हूँ तो उसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अब इसमें एक एक चीज़ अगर टीचर बार बार बताए कि बेटा ये लाइन करनी है ये लाइन नहीं करनी, तो वो बिल्कुल स्पून फीडिंग हो जाती है, वो 8th तक काफ़ी है, मैट्रिक की क्लास है, 9th-10th की क्लास में आपको खुद भी थोड़ी सी स्टडी करना पड़ता है, आप खुद भी स्टडी किया करें। आपको अगर लगे कि मेरी ये बात कंप्लीट किए बगैर मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप उसको ज़रूर इंक्लूड कर लिया करें। जिस तरह हम किसी को कोई बात सुनाते हैं तो हम खुद जज करते हैं कि मैंने वाकया इस तरह पढ़ा है, अगर मैंने उसका खुलासा बताना है तो मैं इस तरह बताऊंगा तो मेरी बात क्लियर हो जाएगी। तो आप खुद डिसीजन लिया करें कि आपको क्या बात लिखनी है, क्या बात करनी है, टॉपिक आपका बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए। जैसा कि मैंने ये प्रेजेंटेशन दी है, ये प्रेजेंटेशन का वे पेपर में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आप इससे भी ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बात को, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।